तो नमस्कार दोस्तों बीपीएससी पी सेनेटरी ऑफिसर के लिए जो एक पोस्ट आई हुई है उसमें सिलेबस है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का और हम लोग इस चैनल पे वही पढ़ेंगे इसी सब्जेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट वन के साथ और कंटेंट जो है इसमें हम पढ़ने वाले हैं देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड वेस्ट मुंसिपल सॉलिड वेस्ट इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट हजारडस सॉलिड वेस्ट बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट ई वेस्ट रेवल्यूशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट (ISWM) और ऑपरेशन ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और SWM रूल्स एज पर सी पी सी बी तो ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। और चलो स्टार्ट करते हैं तो वॉट इज सॉलिड वेस्ट सॉलिड वेस्ट क्या होता है तो सॉलिड वेस्ट कैन बी कंसिडर्ड एज दोज मटीरियल्स उन मटीरियल्स को हम सॉलिड वेस्ट कहेंगे ऑफ़ सॉलिड और सेमी सॉलिड उनका नेचर जो रहता है उनका सॉलिड भी हो सकता है और सेमी सॉलिड नेचर भी हो सकता है एंड विच आर नो लॉन्गर रिक्वायर्ड बाय एनी इंडिविजुअल और हाउस होल्ड और इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल एस्टैबलिशमेंट और इंडस्ट्री और अब उन मटेरियल्स की जरूरत नहीं है किसी भी इंडिविजुअल को किसी भी हाउस होल्ड को किसी भी इंस्टीट्यूशन को या किसी भी कमर्शियल स्टेबलिशमेंट को उन और अगर उनकी जरूरत नहीं है तो उसको हम सॉलिड वेस्ट बोलेंगे तो सॉलिड वेस्ट जो है वो सॉलिड वेस्ट इज क्रिएटेड इन एवरी सिटी हर सिटी में ये बनता है और हर मुंसिपल जूरिस्डिक्शन में ये क्रिएट होता है पूरी दुनिया में तो अगर उसको हम प्रॉपर तरीके से अगर मैनेज नहीं करेंगे तो उसके कारण क्या होगा कि जो कई सारी बीमारियां फैलेंगी और बीमारियां फैलेगी ना ही सिर्फ ह्यूमंस में बल्कि एनिमल्स में भी वो बीमारियां फैलेगी जो मोस्ट डेवलप्ड कंट्रीज होती है वो मॉडर्न वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम को इम्प्लीमेंट करती है और जो सिस्टम होते हैं ये हमारे इसमें यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी लगता है और एनुअल इनका एनुअल ऑपरेशन करने में बहुत सारा कैपिटल लगता है इनका मेंटेनेंस करने में बहुत सारा कैपिटल लगता है अगर देखा जाए तो यूनाइटेड स्टेट में लगभग सेवेंटी फाइव परसेंट जो होता है सॉलिड वेस्ट का वो लैंडफिल्स में चला जाता है पर इंडिया में अगर दो हज़ार उन्नीस के रिकॉर्ड के हिसाब से देखें तो जो आ, सिर्फ उनतीस परसेंट होता है सॉलिड वेस्ट का वो लैंडफिल तक पहुंच पाता है तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है उसको हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज डिफाइंड एज ए सिस्टम एसोसिएटेड विद द कंट्रोल ऑफ जनरेशन स्टोरेज कलेक्शन ट्रांसफर प्रोसेसिंग एंड डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट अब इसमें सारे एडमिनिस्ट्रेटिव फाइनेंशियल लीगल और इंजीनियरिंग प्लानिंग को हम इंश्योर करते हैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में ताकि ये सारी चीज़ें स्मूथ फंक्शन कर सके एक प्रोसेस की तरह तो इंडियन सिनारियो क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का तो इंडिया में लगभग थर्टी एट परसेंट जो पॉपुलेशन है वो सिटीज़ में रहती है दो हज़ार ग्यारह के सेंसस के अकॉर्डिंग और सी के अकॉर्डिंग एक लाख तिरतालीस हज़ार चार सौ उनपचास वन लैख फोर्टी थ्री थाउजेंड फोर फोर्टी नाइन टनस पर डे मुंसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है वो जनरेट होता है और अगर इसका एवरेज देखें हम तो पॉइंट फोर सिक्स के जी पर कैपिटा पर डे होता है और इसका सिर्फ ट्वेंटी टू परसेंट जो होता है वो प्रोसेस्ड किया जाता है या ट्रीट किया जाता है तो इन इंडिया सॉलिड वेस्ट इज कैटेगराइज इन टू ड फॉलोइंग कैटेगरीज इन कैटेगरीज में इंडिया में बांटा गया है सॉलिड वेस्ट को म्युनसिपल सॉलिड वेस्ट इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट हजारडस्ट सॉलिड वेस्ट बायोमेडिकल सॉलिड वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट और ई e वेस्ट अगर हम ओवरव्यू देखें अलग अलग तरीके के सॉलिड वेस्ट का तो सबसे पहले आता है म्यूंसिपल सॉलिड वेस्ट तो मुंसिपल सॉलिड वेस्ट होता है डोमेस्टिक सॉलिड वेस्ट प्लस इंस्टीट्यूशनल सॉलिड वेस्ट प्लस कमर्शियल सॉलिड वेस्ट प्लस पब्लिक प्लेसेस से जो भी सॉलिड वेस्ट निकलता है वो तो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट जो होता है वो कम्पोड ऑफ वेस्ट होता है म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट आर कंपोज ऑफ वेस्ट जनरेटेड बाय डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल एंड कमर्शियल एक्टिविटीज और इसके अंदर हम ये भी इंक्लूड कर सकते हैं इट ऑल्सो इंक्लूड्स द वेस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पब्लिक प्लेसेस एंड ट्रीटमेंट प्लांट साइट्स एग्जाम्पल जैसे कि ऐसी प्लांट साइट से जैसे कि स्क्रीनिंग और ग्रेट रिमूवल वगैरह होता है तो ऐसी प्लांट साइट से जो भी वेस्ट जनरेट होता है वो भी म्यूंसिपल सॉलिड वेस्ट की कैटेगरी में आता है तो म्यूंसिपल सॉलिड वेस्ट जो है उसको तीन उसके तीन कंपोनेंट होते हैं गार्बेज रबिश और एशेस तो गार्बेज जो होता है वो बायोडिग्रेडेबल मैटर होता है जो कि किचन और होटल से निकलता है इसकी डेंसिटी लगभग 450 से 900 केजी पर मीटर क्यूब होती है और रबिश जो होता है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल और इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है इसके एग्जाम्पल होते हैं प्लास्टिक रबर मेटल्स ग्लास एट्सट्रा और इसकी डेंसिटी पचास से चार सौ पर मीटर क्यूब होती है और एशेज जो होते हैं वो नॉन कम्बस्टेबल मैटर होते हैं और नॉन कम्बस्टेबल मैटर होते हैं उनको जलाया जाता है तब भी वो जलते नहीं है तो आफ्टर बर्निंग आफ्टर जो बर्निंग के बाद हमको uh, मिलते हैं जो नॉन कम्बस्टिबल मैटर वो uh, उसको एशेस बोलते हैं और uh, इनकी डेंसिटी जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है सात uh, सौ से नौ सौ के जी पर मीटर की वो होती है तो दूसरे नंबर पे का सॉलिड वेस्ट अगर हम देखें तो वो है इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट इंडस्ट्रियल प्रोसेस वेस्ट ऑफ सॉलिड एंड सेमी सॉलिड नेचर आर इंक्लूड इन आई तो इसमें सॉलिड और सेमी सॉलिड दोनों तरीके के वेस्ट आ जाते हैं अगर एग्जाम्पल ऑफ मटीरियल्स विच मे बी फाउंड आर रबिश ऑर्गेनिक वेस्ट फ्रॉम फूड एंड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज एसिड्स एंड बेसिस वेरियस केमिकल्स फ्राम फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज मेटेलिक्स लज फ्राम मेटेलर्जिकल प्रोसेस तो ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं मतलब रबिश ऑर्गेनिक वेस्ट जो होता है निकलता है हमारा फूड और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज से एसिड और बेस निकलते हैं या अलग अलग तरीके के केमिकल्स निकलते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज से और मेटेलिक स्लज जो निकलता है मेटेलॉजिकल प्रोसेस से वो सारे हमारे इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट के अंतर्गत आ जाते हैं और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर जो होता है इंडस्ट्रियल वेस्ट का वो होता है हैंडलिंग रूल्स जो होते हैं इसके इसके हैंडलिंग रूल्स म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट के हैंडलिंग रूल्स से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं अलग होते हैं तो आई एस डब्ल्यू कैन ऑल्सो कंटेन हजारडस वेस्ट इन दैम और जो इंडस्ट्रियल सॉलिड वेस्ट है उसके अंदर हजारडस वेस्ट भी हो सकता है तीसरे नंबर का हजारडस वेस्ट अगर हम कैटेगराइज करें सॉलिड वेस्ट को तो तीसरे नंबर पर हम करते हैं हजारडस वेस्ट में तो हजारडस वेस्ट जो होता है ये एक ऐसा वेस्ट होता है जिसमें कि सस्टेनेबल और पोटेंशियल थ्रेट होता है पब्लिक हेल्थ को और एन्वायरमेंट को इसके अंदर जैसे आ जाते हैं पेंट सॉलवेंट मोटर ऑयल पेस्टिसाइड्स मर्क्यूरी कंटेनिंग वेस्ट या लेड कंटेनिंग वेस्ट तो ये हेल्थ हज़ार्ड इसमें जो हेल्थ हजार्ड रहते हैं उसमें अब हेल्थ हजार्ड क्या क्या हो सकते हैं इन्फेक्शन इन स्किन हो सकता है ब्लड में ब्लड अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ब्लड में आ गया तो ब्लड में कुछ दिक्कत कर सकता है क्रोनिक डिसीज हो सकती है जैसे कि कैंसर या लंग डिसीजेस या लंग एक्सपोजर जब होता है तो लंग डिसीजेस हो जा हो जाती हैं या फिर एक्सीडेंट सच एस इन्फेक्टेड वाउंड अगर कोई हमारे को च, अगर हमारा कोई इन्फेक्टेड ज़ख्म अगर खुला हुआ है या पॉइजनस केमिकल्स वगैरह के उसमें एक्सपोजर आ रहा है तो लैंड या फिर लैंडफिल जो लैंडफिल होती है हमारी जहाँ पे हम कचरा डालते हैं वहाँ पे अगर एक्सप्लोजन हो गया तो उस तरीके की आ, मतलब यहाँ पे एक्सीडेंट हो सकते हैं तो हजार डस वेस्ट से ये न, कुछ तरह के खतरे होते हैं और अगर चौथा वेस्ट देखें हम सॉलिड वेस्ट तो वो होता है बायोमेडिकल वेस्ट तो हॉस्पिटल वेस्ट जो होता है या फिर बायोमेडिकल वेस्ट भी बोलते हैं इसको तो ये कब जनरेट होता है ये डायग्नोसिस जब हम करते हैं जब ट्रीटमेंट करते हैं या इम्यूनाइजेशन करते हैं या वैक्सीनेशन करते हैं ह्यूमन बींग्स का या एनिमल्स का और या फिर हम रिसर्च एक्टिविटीज ऐसे करते हैं बायो मेडिकल साइंस से रिलेटेड अगर कुछ रिसर्च एक्टिविटीज करते हैं तो उस वक्त भी बायोमेडिकल वेस्ट का जनरेशन होता है तो इंडिया में लगभग जो बी मतलब कि बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है वो होता है 500 फाइव हंड्रेड टी पी डी दो हज़ार पंद्रह सी पी सी बी के अकॉर्डिंग पाँच सौ टी पी डी और अगर बी एम डब्ल्यू एंड आई डब्ल्यू शुड नॉट बी मिक्सड विद एम एस डब्ल्यू तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बी एम डब्ल्यू होता है मतलब कि बायोमेडिकल वेस्ट होता है और जो हमारा इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है इसको हम मुंसिपल सॉलिड वेस्ट से मिक्स नहीं कर सकते और बी एमडब्बल्यू कंसिस्ट ऑफ ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट लाइक टिश्यूज ऑर्गन्स यूज सीरेंजेस और डिस्कार्ड मेडिसिन तो जो हमारा बायो मेडिकल वेस्ट होता है उसके अंदर एनाटोमिकल वेस्ट होता है जैसे कि टिश्यूज हो गए ऑर्गन्स हो गए या फिर सीरेंज होती है जो इंजेक्शन वगैरह होते हैं वो या फिर हमारी जो मेडिसिन होती हैं जो एक्सपायर हो जाती हैं वो सारी वो सारा बायो मेडिकल वेस्ट के अंतर्गत आता है अब अगला टाइप होता है सॉलिड वेस्ट का वो होता है ई वेस्ट यानि कि इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो होता है वो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे कि कंप्यूटर टीवी सेट्स फ्रिज सेलफोन्स वायर्स एट्सेट्रा इनके कारण जो वेस्ट जनरेट होता है वो हमारा होता है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट तो ई e वेस्ट एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है अलग अलग मटेरियल्स का और अलग अलग कंपोनेंट्स का जिसमें कि हजार कंटेंट होता है और अगर उसको हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो वो हमारे इन्वायरमेंट को तो नुकसान पहुंचाएगा ही हमारी हेल्थ को भी नुकसान पहुंचाएगा और 2020 की एक रिपोर्ट आई थी सीपीसीबी की उसमें इंडिया लगभग दस लाख चौदह हजार नौ सौ इकसठ टन ई वेस्ट एक साल में जनरेट करता है उन्नीस बीस में उसने इतना जनरेट किया था अगर प्लास्टिक वेस्ट की बात करें तो प्लास्टिक जो प्रोडक्ट होते हैं हमारे वो एक हमारा जिंदगी का एक अभिन्न हिस्सा बन चुके हैं और जिसमें कि पॉलीमर जो रहता है वो प्रोड्यूस होता है बहुत ही मैसिव स्केल में अभी प्लास्टिक वेस्ट में क्या होता है अब डेली लाइफ में हम यूज़ कर रहे हैं तो पॉलीमर जो होता है वो वो बहुत ही मैसिव स्केल में उसका हम वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन कर रहे हैं और ऑन एन एवरेज 150 मिलियन टन जो है प्लास्टिक पर ईयर ग्लोबली प्रोड्यूस किया जाता है और लगभग नाइन मिलियन टन जो प्लास्टिक वेस्ट होता है वो इंडिया में दो में की रिपोर्ट के हिसाब से जनरेट हुआ था नाइन मिलियन टन और पचास जो होता है प्लास्टिक वेस्ट वो इंडिया में रिसाइकल हो जाता है और प्लास्टिक वेस्ट इज रिसाइकलेबल रिसाइकलेबल तो वो होता है पर रिसाइकल्ड प्रोडक्ट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं एनवायरनमेंट के लिए क्योंकि रिसाइकलिंग इनटू अनादर प्रोडक्ट अगेन कंज्यूम एनर्जी मतलब कि जब हम रिसाइकिलिंग करते हैं तो वापस हमको कुछ कुछ ना कुछ एनर्जी उसमें डालनी पड़ती है रिसाइकल करने के लिए और उसके कारण हमारा एनर्जी कंज्यूम होती है और दूसरा रीज़न है रिसाइकिल रिसाइकल्ड प्रोडक्ट जो होते हैं वो फिर से फर्दर रिसाइकलेबल नहीं होते हैं तो ये एक नुकसान हो जाता है रिसाइकलिंग का और रिसाइकलिंग का एक और नुकसान हो जाता है कि रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स मे कंटेन एडिटिव्स एंड कलर्स तो अब उसमें उसको रिसाइकिल करेंगे तो उसमें और एडिटिव्स डालेंगे और कलर्स डालेंगे तो ये एक ये भी एक हमारा रिसाइकलिंग का नुकसान हो जाता है तो प्लास्टिक्स जो होते हैं वो क्या होते हैं वो मैक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं फॉर्म्ड बाय द प्रोसेस ऑफ पॉलीमराइजेशन जो कि पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस से मैक्रो मोलिक्यूल्स जो होते हैं उनको फॉर्म किया जाता है क्या क्या होते हैं पोलीथाइलिन पॉलीविनाइल क्लोराइड पॉलीस्टेरिन ये ये अलग अलग तरीके की चीज़ें हैं जो कि प्लास्टिक बनाने में यूज़ की जाती हैं और एक बार जब प्लास्टिक को डिस्कार्ड कर देते हैं तो उसकी यूटिलिटी ख़त्म हो जाती है तब उसको डिस्कार्ड कर देते हैं और जब वो हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं उसको प्लास्टिक वेस्ट बोलते हैं तो प्लास्टिक वेस्ट जो होता है वो कभी भी डिग्रेड नहीं होता खुद के खुद मतलब जैसे दूसरा कच, कचरा जो होता है ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया वो सब अपने आप डिग्रेड हो जाता है लेकिन प्लास्टिक वेस्ट जो होता है वो कि वो ऑटोमेटिक डिग्रेड नहीं होता बल्कि हज़ारों सैकड़ों सालों तक वो वहीं पर रहता है तो जो सत्तर प्लास्टिक है पैकेजिंग में वो सब वेस्ट बन जाता है एक महीने के अंदर ही मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है उसको वेस्ट बनने में मतलब प्लास्टिक बना उसका एक महीने के अंदर वो वेस्ट बन जाता है तो सात तरह के सात टाइप्स के प्लास्टिक जो हैं हम लोग देखेंगे प्लास्टिक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन इस तरीके के ही उसके नाम दिए हुए तो नंबर वन टाइप का जो प्लास्टिक होता है वो होता है पी ई टी दैट इज़ पॉलीथाइलाइन टेट्राफिलाइट और इसके जो कॉमन यूज़ होते हैं वो प्लास्टिक वाटर में और सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल्स जो होती हैं उनमें यूज़ होता है और ये रिसाइकलेबल होता है और नंबर टू टाइप का प्लास्टिक जो होता है वो होता है एच डी पी दैट इज़ हाई डेंसिटी पॉलीथाइलिन और इसका यूज़ जो इसके जो कॉमन यूज़ होते हैं ये होते हैं क्लीनिंग केमिकल्स शैम्पू बॉटल्स और दूसरे केमिकल्स में यूज़ किया जाता है और ये भी रिसाइकलेबल होता है Uh, जो तीसरे टाइप का प्लास्टिक होता है वो होता है पीवीसी और वो होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड और इसका यूज़ हम पाइपिंग हाउसिंग और केबल इंस्टॉलेशन वगैरह में करते हैं लेकिन ये रिसाइकलेबल नहीं होता है और जो चौथे टाइप का प्लास्टिक होता है वो होता है एल डी पी दैट इज लो डेंसिटी पॉलीथाइलिन और इसका जो यूज़ होता है वो प्लास्टिक बैग्स रैपिंग जो रैपिंग करते हैं हम ब्रेड और वेजिटेबल्स वग़ैरह की उसमें यूज़ होता है और ये भी रिसाइकलेबल नहीं होता है और अगला जो प्लास्टिक होता है वो होता है पॉलीप्रोपाइलिन और इसका यूज़ हम करते हैं बॉटल लिड्स में फर्नीचर में रूप में ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स में और ये भी रिसाइकलीबल नहीं होता है और अगला जो होता है प्लास्टिक छठवें नंबर का होता है पीएस एस दैट इज़ पॉलीस्टाइरिन और इसका यूज़ हम करते हैं टेक अवे कंटेनर्स जो होते हैं उसमें और प्लास्टिक जो कटलरी होती है उसमें यूज़ करते हैं जो होटल वग़ैरह में हम आ, मतलब जो टिफिन वगैरह होते हैं वो और जो प्लास्टिक कटलरी जो चम्मच वगैरह होती है प्लास्टिक की वो और ये भी रिसाइकलेबल नहीं होती है और जो सातवें नंबर के जो प्लास्टिक होते हैं उनको अदर अदर्स uh, में मतलब रखा गया है सातवें टाइप के जो प्लास्टिक है उनको अदर कैटेगरी में रखा गया है और उनके अलग अलग यूज होते हैं और वो सारे वो सारे प्लास्टिक भी रिसाइकलेबल नहीं होते तो सिर्फ वन और टू नंबर के जो प्लास्टिक होते हैं वो रिसाइकलेबल होते हैं बाकी 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 के प्लास्टिक रिसाइक्लेबल नहीं होते हैं और अगर देख लेते हैं पॉलीमराइजेशन क्या होता है तो पॉलीमराइजेशन में एक मोनोमर होता है उसको जब हम पॉलीमराइज कर देते हैं तो पॉलीमर बन जाते हैं मतलब कई सारे उसी की तरह के पॉलीमर्स बन जाते हैं तो जैसा कि आप रिएक्शन में देख ही सकते हैं तो पॉलीमराइजेशन इज अ प्रोसेस थ्रो विच अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट टूगेदर टू फॉर्म पॉलीमर द पॉलीमर इज मेड अप ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स मतलब रिपीटिंग यूनिट्स से बनता है ये सेम uh, टाइप की रिपीटिंग यूनिट्स भी हो सकती है और अलग अलग डिफरेंट टाइप की रिपीटिंग यूनिट भी हो सकती है अगर इस अगर सेम टाइप की मोनोमर हैं तो उसको हम होमोपॉलीमर बोलेंगे और अगर डिफरेंट टाइप के मोनोमर हैं तो उसको हम कोपॉलीमर बोलेंगे